सिबकतुल्ला अंसारी, मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई ने आज समाजवादी पार्टी वापस से ज्वाइन करी है। मेरे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। सर, समाजवादी पार्टी में आ गए, अब आगे की क्या रणनीति है और क्यों ख्याल आया आपको वापस आने? भाई, पुनः अपने घर वापस आने की वजह सिर्फ एक है कि आज जो प्रदेश में सरकार चल रही है, कहने को तो एक महात्मा की सरकार है, एक संत की नेतृत्व में सरकार है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई महात्मा, कोई साधु, कोई फकीर किसी का घर उजाड़ के खुश होगा, किसी की बनी बनाई दुकानें उजाड़ के खुश होगा, स्कूल उजाड़ के खुश होगा, सड़कें खुदवा के खुश होगा। पूरा प्रदेश तरह तरह कर रहा है। अभी हमारे क्षेत्र में बाढ़ आई थी, कोई पैकेज की घोषणा नहीं हुई, कोई राहत सामग्री नहीं मिली। मान्यवर गए थे हवाई सर्वे करने, उड़न खटोला गाजीपुर के गहमर गांव में उतरा, जो एक ऐतिहासिक गांव है, वीरों की धरती है, सिर्फ लेमन जूस पकड़ा के चले आए। 60 या 70 लोगों को वहां कुछ थोड़ा सा राहत सामग्री दी गई, जो 10-20 किलो भी नहीं थी। और अखिलेश जी के जमाने में 2016 में जब बाढ़ आई थी मेरे इलाके में, तो कोई गांव ऐसा नहीं था जहां हजारों पैकेट गरीबों में 60-60 किलो के चावल, दाल, आटा, चना, सारी चीजें घर न पहुंचाई गई हो। अगर सर, भाजपा आपके ज्वाइन करने के कुछ मिनटों बाद ही भाजपा ने अटैक करना शुरू कर दिया, आक्रमण करना शुरू कर दिया, कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और उनको एक तरह योगी सरकार ने बांदा जेल में डाल रखा और उनको समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवा रही है, कैसे देखते हैं आप? नहीं नहीं, मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में बंद कर रखा है। मुख्तार कोई सजायाफ्ता कैदी नहीं है। और आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी को जेल में रहते हुए 16 साल से ज्यादा जमाना गुजर गया। 2005 में वो सिलेंडर किए थे मऊ के दंगे के मामले में फर्जी, उसमें बाइज्जत बरी हुए कोर्ट से। और उसके बाद ये सरकार जब से आई है, कोई दिन नहीं गुजर रहा जब एक कोई फर्जी मुकदमा उन पे न लाद दिया जा रहा हो। बनारस से, आजमगढ़ से, मऊ से, गाजीपुर से, हर जिलाधिकारी, हर एसपी को ये निर्देश है कि तुम अपना नंबर बढ़वाना है तो मुख्तार के खिलाफ कुछ न कुछ करो। ऐसा तो कहीं किसी राज में, किसी के शासन में नहीं हुआ था जो हो रहा है। हम सब एक राजनीतिक परिवार के हैं, कोई भगोड़े, कोई आतंकवादी नहीं है। हमें गर्व है कि हमारे रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून है, बॉर्डर की सीमा की रक्षा करते हुए शहीदों का खून है। हमें वो कुछ भी कहें, कुछ पत्रकार बंधु भी बाहुबली, माफिया, न जाने क्या क्या कह देते हैं, लेकिन इसका जवाब 5 बार से मऊ की वो महान जनता, जो उनके बीच बगैर गए हुए उनको जिता के ये बता रही है उन माफिया कहने वालों को, उन अपराधी कहने वालों को, कि मुख्तार अपराधी और माफिया नहीं है बल्कि वो मसीहा है। आप उनको मसीहा मानते हैं, बता रहे हैं? मैं नहीं मानता, मैं ही नहीं मानता, बल्कि पूरा पूर्वांचल, पूरा प्रदेश मानता है। और इसका प्रमाण, चूंकि हम उनकी जीत को ही प्रमाण का आधार इसलिए बना रहे हैं कि सरकार में बैठे मंत्री लोग जब उनका कोई जीत जाता है तो यही कहते हैं कि ये प्रमाण है हमारे जीतने का कि हमसे जनता नाखुश नहीं है, हमसे खुश है। आपने भी सुना होगा अभी पंचायतों के चुनाव में कितना नंगा नाच करके चुनाव जीते और कह रहे थे कि देखो हमसे जनता तो खुश है। हालांकि वो सब बाहुबल, धनबल और सरकार के
डीएम और एसपी के बल पर चुनाव जीता गया है। सदस्य इनके नहीं जीते थे। आप आज भी जाके जिलों में देख ले, लिस्ट लेके 5 हैं 10 हैं, लेकिन 35 लाख 50 लाख तक एक एक जिला पंचायत सदस्यों को देके खरीदा। यूपी चुनाव नजदीक है, बताया जाता है कि पूर्वांचल में 10 सीटों पे आपका जो है जोर है, तो आपको क्या लगता है आपके आने से समाजवादी पार्टी को आप किस तरह से मदद पहुंचा पाए? नहीं, माफ करेंगे, 10 सीटें नहीं, 7 सीटें तो हमारे जिले में है, 5 सीटें मऊ में है, 7 सीटें बलिया में है, बगल में आजमगढ़ में है, 8 सीटें सपा आप अपना वो मानते हैं, जौनपुर में हमारे चाहने वाले, हमें दिल से दुआएं देने वाले हैं। आप जाएंगे जमीनी स्तर पर, लोगों से मिलेंगे, वो खुद आपको बताएंगे। मैं कहूंगा तो हर एक कहता है कि भाई हमारी दही मीठी है। अच्छा तो यही है कि आप फील्ड में जाएं, आवाम से मिलें। पश्चिमी यूपी में तो बीजेपी वैसे ही वीक है, तो आपका कहना है पूर्वांचल में भी जो है? पश्चिमी यूपी में तो बहुत मजबूत थे, पिछली बार पश्चिमी यूपी ही ने तो उन्हें जिता दिया, और पूर्वी यूपी में भी उनको बड़ी सफलता मिली। पूरब वालों ने बड़े अरमान रखे थे कि हमें इस सरकार के आने से विकास मिलेगा, प्रधानमंत्री पूरब के क्षेत्र का, एक कारखाना नहीं लगा, 7 बरस हो गया। गाजीपुर बनारस उद्योग शून्य जिला है, एक उद्योग धंधे नहीं है, कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं बना। अगर बीएचयू को हटा दें तो पूरा पूर्वांचल मर जाए, कोई डॉक्टर नहीं, इलाज करने वाला नहीं। हमारे गाजीपुर में एक मेडिकल स्टोर का ढांचा, मेडिकल कॉलेज का ढांचा खड़ा कर दिया गया, जबरदस्ती की जा रही, जल्दी उद्घाटन। आपको बताऊं, आप पता कर लीजिए, वहां के सीएमओ का नंबर निकाल के डायरी से पूछ लीजिए। एक सर्जन 4 वर्ष से नहीं है गाजीपुर जिले में, एक सर्जन। किस सीट पे कुछ हो बातचीत हुई अखिलेश यादव से आपकी, किस सीट पे आपको खड़ा कर सकते? कोई बातचीत नहीं सीट के लिए, अखिलेश जी जहां हमें आदेश करेंगे, जो हुक्म देंगे पार्टी के लिए, वो मैं करने के तैयार हूं। टिकट देंगे तो, टिकट नहीं देंगे तो, हर हाल में हम पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अथक कोशिश करेंगे, जी जान। शिवपाल सिंह यादव से बहुत करीब रहे हैं आप, शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश यादव ने पिछले 7 सालों में उनसे बात नहीं करी, कैसे मन मुटाव दिया? नहीं, ये शिवपाल जी और अखिलेश जी की बात है, ये उनसे आप पूछे, वो बड़े लोग हैं, उनके बीच में ये घर की बात है। मैं कौन उस पर सवाल उठाने वाला और कुछ कहने वाला, दोनों हमारे नेता हैं और दोनों एक हैं। अब मीडिया वाले कुछ काट के कुछ छांट के जो चाहे चलावें, लेकिन हम तो समझते हैं दोनों एक हैं, एक रहेंगे। आखिरी सवाल ले रहा हूं आपसे, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार जब बन जाएगी तो खाली वाई फैक्टर की बात करेंगे, एम फैक्टर की बात नहीं करेंगे, खाली अभी एम वाई कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब उस प्रदेश से आए हैं जहां तक मुझे जानकारी है, इनके दादा जान के जमाने से इनका परिवार सियासत कर रहा है, और जिस सीट से दादा एमपी हुए, इनके वालिद एमपी हुए, फिर ये एमपी हो रहे हैं, मात्र एक ही सीट से जिससे ये लोग एमपी होते चले आ रहे हैं। और वहाँ की भौगोलिक स्थिति ये है कि वहाँ 70% माइनॉरिटी का वोटर है, और हम जहाँ से आते हैं वहाँ 10% माइनॉरिटी का वोटर है, 90% हमारे हमवतन भाई हैं जो हमें सीने से लगाते हैं, दिल में रखते हैं, तब हमें जीता रहे। वैसी साहब आंध्रा की राजनीति करें तो अच्छा होता कि वहां अपनी सरकार बना के एक नमूना पेश करते, तो यूपी के लोग भी सोचते कि हाँ ये एक नमूना है आंध्रा का, चलो भाई यूपी में भी हम मौका दें। आंध्रा में तो एक सीट से 2 सीट एमपी नहीं जिता सके, हमारे यहाँ क्या वो जिता लेंगे? हाँ ये जरूर है कि वो जो अल्फाज बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं, उससे भाजपा को ही फायदा होता है, हमारी कौम को फायदा नहीं होता है, कौम की एकता टूटती है, ये साफ साफ बिल्कुल आया हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर।